तो भाई यहाँ पे जो शंख निकलने इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कभी न कभी यहाँ पर समंदर हुआ करता था और समय ने पलटी मारी और भाई आज ये खतरनाक रेगिस्तान है जिप्सम में। ये रवि भी अभी गाड़ी से नीचे उतर के आ रहा है और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ रेगिस्तान का जो विशाल नज़ारा होता है वो वाला। तो गाइस ये है विशाल रेगिस्तान। ये भाई रेगिस्तान के अंदर कुआं बने रहा है ये, हाँ ये भाई पानी की जो व्यवस्था है ना रेगिस्तान के अंदर ये वो है। देखो गाइस ये पुराना कुआं है, पानी पानी है नहीं अभी, इसमें खाली है, सूखा हुआ है। मतलब इतने विशाल रेगिस्तान में जो पानी का जुगाड़ करके रखते थे ना ऐसे ये साइड में यहाँ पे, और अति विशाल रेगिस्तान शायद जिप्सम की खुदाई चल रही है, पता नहीं जिप्सम निकला या नहीं निकला, लेकिन हो सकता है वहाँ पे जिप्सम हो। तो चल के देखते हैं अभी थोड़ी देर में वहाँ पे क्या भाई। ये देखो और टेम्परेचर है यहाँ पे 48, अभी टाइम तो सिर्फ 10 ही बजे और भाई टेम्परेचर इतना हो चुका है, इसी तो गाड़ी से नीचे भी नहीं उतर। तो गाइस हमारा विचार था आगे तक रेगिस्तान में जाने का गाड़ी लेके, लेकिन भाई एक बार पहले हमारी गाड़ी फंस गई थी रेगिस्तान में, बड़ी मुश्किल से निकली थी। अब ऐसे तो गाड़ी निकालने के चांसेस हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि अगर फंस गई ना तो पीछे एक ट्रक भी खड़ा है और एक जेसीबी भी है, पर भाई पंगे नहीं लेने क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है ना 48 डिग्री। और ये यहाँ पे रवि जनाब कुछ कर रहे हैं, क्या कलाकारी करी हो जनाब? अच्छा शंख निकला है भाई, ये देखो ये पांचजन्य शंख है भाई, ये वही है जो भगवान कृष्ण के पास होता था। अब ये कलयुग आ गया तो यहाँ पे सूक्ष्म रूप में विराजमान है अभी भी, उस टाइम में काफी बड़े शंख हुआ करते थे पांचजन्य। वो स्ट्रक्चर है वाला जो अंदर ही अंदर कुआं के अंदर। और गाइस ये जो आप देख रहे हैं ना इतने सारे जो शंख निकल रहे हैं और ये इतना भयानक रेगिस्तान है, तो भाई यहाँ पे जो शंख निकलने इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कभी न कभी यहाँ पर समंदर हुआ करता था और समय ने पलटी मारी और भाई आज ये खतरनाक रेगिस्तान है जिप्सम। और यहाँ पे ये देखो जिप्सम निकल रहा है भाई, ये देखो जिप्सम के साथ साथ में ये देखो इतने सारे जो शंख हमने इकट्ठे कर लिए और ये यहाँ पे जिप्सम है। तो मतलब कभी यहाँ पे समंदर हुआ करता था, ये खारा पानी और आज उसमें पानी, हाँ ये सारे टक्करें वही है भाई। इसको देख के ऐसे ही लगता है समंदर था यहाँ पे। तो भाई अति विशाल समुद्र को अति विशाल रेगिस्तान बनने में कोई टाइम नहीं लगता, एक थोड़ी सी उठा पटक और काम ख़त्म। ये देखो भाई ये हो रही है यहाँ पे खोज, पुरातत्व विभाग वाले आए हुए हैं यहाँ पे। चला जनाब कुछ भी नहीं मिला, खुदाई है और क्या मिल गया, वो सामने देख सफेद प्याज में क्या इकट्ठा कर रखा है। ओ तेरी इतने सारे शंख, ओ भाई कमाल है, मेरे को लगता है यहाँ पे लाखों ही शंख हैं। मिट्टी काट के बज गया जनाब, टेम्परेचर बहुत हो गया, चलते हैं घर। ओ और यो और गाइस काफ़ी सारे शंख हमने इकट्ठे कर लिए, वापस से गाड़ी में आ गए, ऋषि तो उतरा भी नहीं गाड़ी से। भाई गर्मी बहुत है बाहर, खोपड़ी गर्म हो रही है, 48 डिग्री टेम्परेचर है बाहर। इधर से नाप के देखो भाई, पसीना पसीना हो रखे है, ये देखो बेइज्जती का हो गया तो सबका बुरा हाल गर्मी में। तो भाई अब यहाँ पे गाड़ी में बैठ के थोड़ी शांति पड़ी है और अभी हम चलते हैं नूर की तरफ, तो बाय नूर होकर हम जाएंगे। चलो देखते हैं कहाँ कहाँ।